यूट्यूब से हम पैसे कैसे कमाएंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं उसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको इजीली आपका माइंडसेट क्लियर हो। बड़े लोगों ने वीडियोस बनाई, बड़ा धोखा दिया, लेकिन सच्ची बात किसी ने ना बताई। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे मैं डेली अपलोड नहीं करता लेकिन जब भी अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाता है मोनेटाइजेशन और कहीं पे नहीं मिल रहा। अब जैसे कि प्लेटफॉर्म से मुराद फेसबुक है, वो बाहर में हर जगह मोनेटाइज्ड है सिवाय पाकिस्तान के। आपका टिकटॉक है वो मोनेटाइज्ड है सिवाय पाकिस्तान के। आपका इंस्टाग्राम है वो भी बाहर से बाहर के जो मुल्क हैं पाकिस्तान को छोड़ के वो मोनेटाइज्ड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्लेटफॉर्म्स मोनेटाइज नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टली यूट्यूब पे, लंबी बातें बाद में करेंगे ताकि जो काम की बात है, काम के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है तो आप लोगों को यूट्यूब के बारे में बताता हूँ। सिंपल इज दैट कीजिए, यूट्यूब जो पाकिस्तान का चैनल है वो बहुत कम मोनेटाइज होता है, उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। हमारे यूट्यूब पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ठीक है, उन्होंने कभी हमें क्लियर नहीं बताया कि यार आप जो है यूके बेस्ड अकाउंट चलाएं, और ना ये बताया कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में कंपनीज बैठी हुई हैं जो कि यूट्यूब को पाकिस्तान से हैंडल कर रही हैं, और आपकी वीडियोस जब अपलोड होती हैं पता नहीं यूके से वो किस तरह उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे भी करते हैं आपका जल्द अज जल्द मोनेटाइज भी करा देते हैं, आपकी सब्सक्राइबर भी बढ़ा देते हैं, और ये जेन्युइनली करते हैं। कहते ना कि बॉट से होता, ऐसा नहीं है बॉट से होता, कंपनीज हैं। आपने अगर खिजर उमर का एक पॉडकास्ट था उसमें अगर सुना हो, नहीं सुना अब वो मेरे खुपी का बेटा नहीं है जैनुल आबिदीन, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, जो शख्स भी इंक्लूडिंग मी ठीक है, जो चाहता है कि जी मैं यूट्यूब के ऊपर मेहनत करूं और पैसा कमाऊं, इजी पैसा हो जाता है। जाहिर है आज के दौर में ना नौकरी इतना पैसा दे रही है, ना आपका जो बिजनेस कारोबार है ना वो इतना पैसा दे रहा है। यूट्यूब पे एक घंटे की भी अगर मेहनत कर लेना, अच्छी सी मेहनत कर लें या 3-4 घंटे मेहनत कर लें, तब भी वो रेवेन्यू किसी और चीज़ के साथ हमें कंपेयर, मतलब हम कंपेयर करें उतना पैसा हमें नहीं मिल रहा। अब मैं यहाँ पे आपको किसी कंपनी के बारे में नहीं बताने आया कि जी फ्लां के पास चले जाएं या फ्लां के पास चले जाएं, जिसको रास्ता भी मैंने बता दिया है वो जा सकता है। किसी भी कंपनी जो आपको नजर आ रही है आप वहाँ पर जाएं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। मैं कोई गलत गाइड नहीं कर, देखें ये 100% बात मेरी ठीक भी नहीं हो सकती ठीक है, जाहिर है इंसान है, गलती हो सकती है, मेरे इल्म में कमी हो सकती है, लेकिन जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि फेसबुक आपको चाहिए, वो भी आपको यूके बेस्ड चाहिए जो कि मोनेटाइज होता है। और अगर आपको टिकटॉक चाहिए ठीक है, अब आपको यकीन नहीं आएगा मेरी इस बात पे, आप चले जाएं टिकटॉक पे, अगर आपका पाकिस्तान में लाइव ऑप्शन आ रहा है तो मेरे कमेंट में दिखा दीजिए, भाई ये देखें मेरा पाकिस्तान का अकाउंट है और यहाँ पे लाइव शो हो रहा है, मतलब लाइव जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत सा चेक किया, VPN भी यूज़ किया, सब कुछ यूज़ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान में आपका टिकटॉक लाइव बटन दे रहा हो। लाइव बटन फिलहाल तो टिकटॉक में पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप चले जाएं, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ैनुल आबिदीन का पॉडकास्ट है, खिजर उमर का आप जो है वो पॉडकास्ट देख लें, उन्होंने कहा कि जी हमारी मेन इनकम जो है वो फेसबुक से है क्योंकि वो यूके बेस्ड है, हमने ज़्यादा पैसे कमाए हैं, मेन इनकम सोर्स उसने बताई कि जी फेसबुक है। कहा कि जी यूट्यूब से भी हम अच्छा खासा कमा लेते हैं लेकिन मेन इनकम ऑफ सोर्स फेसबुक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि फेसबुक कितना हद तक दे रहा होगा, और पाकिस्तान में ये प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है पर मोनेटाइजेशन नहीं है। अब रही बात जी टिकटॉक की ठीक है, टिकटॉक पे आपने देखा होगा कि लाइव सब जा रहे हैं, वो कोई मिस्टर पतलू हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब आपका रजा भट्ट भी वहाँ पर आ गया, डकी भाई भी आ गया, जो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की इज्जतदार लेडीज थी वो भी आ गई। पैसा तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए जो वीडियो देख रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे भी चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं मिस्टर पतलू शटलू डटलू सबको चाहिए भाई, किसको नहीं चाहिए। देखेंगे दुनिया है, इसमें ज़रूरत है पैसों की, चाहे आप एक आम सी जिंदगी गुजारें उसमें पैसे की जरूरत है, चाहे आप अमीर जिंदगी गुजारें रिच लाइफ, तब भी आपको पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, समाशरे में जीने के लिए पैसा चाहिए। तो हर बंदा इस कोशिश में कि यार कम टाइम में और कम एफर्ट में हमें पैसा मिल जाए, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, वो है आज़ाद चाय वाला ठीक है, वो बड़े मशवरे देता है कि जी ये बिजनेस कर लें वो बिजनेस कर लें, तो उसमें रेवेन्यू बहुत कम है बनिस्बत आपके YouTube पे वीडियोस या क्रिएटर बनके अपलोड करना, वो बहुत इजी है। इसी से मुराद यकीन करें कि इसी तरह का पॉडकास्ट था, वो भी ज़ैनुल आबिदीन का था, अगेन कह रहा हूँ ज़ैनुल आबिदीन को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ना मेरी किसी पुप्पी का लड़का है। डकी भाई ने कहा कि जी आपके पास रेगुलर कोई कंटेंट नहीं होता ठीक है, और उनकी बात 110% ठीक है, कंटेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो जाहिर है आप टीम कर लें, टीम में भी बना सकते हैं। अब मैंने बिजनेस को क्यों साइड पर रखा और इसको क्यों तरजीह दी, उसकी वजह ये, बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए और टैक्स चाहिए, तरीके खान आना चाहिए, अगर आप फेल हो जाते हैं एक मिसाल है तो आपको लॉस हो रहा है। अब सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पैसे की जरा कम जरूरत है, लो इन्वेस्टमेंट है, लो इन्वेस्टमेंट की मुराद होता है कि जी आप कहीं भी बैठ के किसी दोस्त के घर में बैठ के अपलोड कर सकते हैं और एक अच्छा सा मोबाइल या कैमरा लेके आप वीडियो बना सकते हैं, कोई भी कंटेंट बना लें फनी वीडियो का, वैसे कुछ जिस तरह खिजर उमर बनाता है दूसरे बनाते हैं फनी वीडियो, या इलम के हवाले से या किसी भी हवाले से आप वीडियो बनाते हैं जो कि फैमिली देख सके, इस तरह के कंटेंट आप यकीन करें चल रहे हैं, तो ये टीम वर्क में भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट इसमें जरा कम है।
तो बिजनेस की जाहिर है मैं यही कहूँगा कि जी बिजनेस की जगह पे आप ये काम करें अगर आप कर सकते हैं और ये मुस्तकिल मिजाजी चाहता है मांगता है ये काम, हर काम अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी उसको मुस्तकिल मिजाज चाहिए, अगर आप यूट्यूब की दुनिया में आते हैं या सोशल मीडिया की दुनिया पे आते हैं तब भी आपको मुस्तकिल मिजाज चाहिए। अब टिकटॉक पे एक चीज बतानी थी कि जी टिकटॉक लाइव पे बड़ी दुनिया कोशिश कर रही है, हमारे भी यहाँ पे कोटा में लड़के लगे हैं कि यार हम उस पर आ जाएं लाइव पर आ जाएं। ठीक है, अब लाइव में क्या सीन होता है आपको पता है कि आपको टिकटॉक पे नहीं करता, टिकटॉक तो बिल्कुल भी मेरी नज़र में पे नहीं करता है, बहुत कम पे करता है। ठीक है, अब उसमें होता यह है कि जो लोग देख रहे होते हैं वीडियो लाइव चैट या जो इनका चल रहा होता है एक अजीब अजीब सी पनिशमेंट चल रही होती है, घटियापन उसमें चल रहा होता है। अब जो कुछ भी चल रहा होता है उसको स्किप करके बताता हूँ कि पैसा कैसे आता है। पैसा ऐसे आता है कि जिस तरह अभी मैं एक लाइव वीडियो देख रहा हूँ उसके नीचे ऑप्शन होते हैं कि भाई अगर आपने फ्लावर भेजना है वो 200 रियाल का है या 150 रियाल का है, पता नहीं जितने का भी है चाहे 1 रियाल का है, तो उस बंदा जो बंदा देख रहा है उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और वो आपकी वीडियो देखते हुए आपको फ्लावर भेजेगा। अगर जिसके पास पैसा ज्यादा है यकीन करें वो शेयर मतलब मुख्तलिफ गिफ्ट्स के मुख्तलिफ प्राइसेस होती है, वो गिफ्ट्स होते हैं, फ्लावर हो गया, दूसरा चीज हो गया, शेयर हो गया, वो लाइव वो होता है। ठीक है, वो एक मरतबा शायद अफरीदी ने भी किया था अगर आप लोगों ने नोट किया हो, तो उसमें एक यूनुस खान थे मेरे ख्याल से, उन्होंने जो है मिस्टर पतलू के साथ लाइव पर आए थे। तो आप सोचें कि उन गरीबों का जो देख रहे हैं और वो पैसा भेज रहे हैं, मतलब कई हज़ार लाखों लोग जो हैं उनमें से चंद लोग जो है 5,000 में देखा है अक्सर जो वोटिंग होती है 5,000 लोग वोट कर रहे होते हैं और चीज़ें भेज रहे होते हैं, तो आप ये देखना कि अगले के लिए तो अच्छा खासा पैसा बन जाता है ना फ्री में। अब फ्री में क्या है, अगला क्या दे रहा है, एंटरटेनमेंट दे रहा है, गाली गलोच पता नहीं क्या कुछ उस पर चल रहा होता है। अब आते हैं जी फेसबुक पे, तो फेसबुक ने मेटा जो है ठीक उसका नाम चेंज हो गया था, मेटा हो गया था, मेटा ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है बनिस्बत यूट्यूब से। ठीक है, जो उसका पेमेंट मेथड है वो बहुत अच्छा है क्योंकि आप वहाँ पे अर्निंग जो है डॉलर के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान में अगर किसी का मोनेटाइज है यूट्यूब, बहुत से लोगों का ऐसा नहीं है कि नहीं है, है तो चंद लोग ही चल रहे हैं वैसे, आप गिन लें, आप डकी भाई हो गया, रजा भट्ट हो गया, इरफान जनेजा हो गया, ओसमो हो गया, अवर वाइंस वाले हो गए, नादिर अली हो गया, तो आपके सामने जो यूट्यूबर्स आज फिलहाल जो नज़र में है ओसमो स्पीक हो गया, ये जो फ्रंट पर है यही चल रहे हैं। अब अचानक से आपको लड़का याद होगा आवेश जो रजब के पास था उसका बड़ा सीन चला था, वो तो रजब की वजह से मशहूर हो रहा है क्योंकि रजब भट्ट फिलहाल यूट्यूब की दुनिया में पाकिस्तान यूट्यूब की दुनिया में नहीं पाकिस्तान यूट्यूबर में उसका अच्छा नाम आ गया और उसका जो सबसे बड़ा ट्रिक है उसकी अच्छाई भी कह सकते हैं और प्लस पॉइंट उसको बेनिफिट का भी कह सकते हैं। बेनिफिट उसे क्या है मैं आपको समझाता हूँ, उसके पास रोज़मर्रा पे लोग मिलने आते हैं डिफरेंट अकाउंट से जो कोशिश कर रहे हैं कि जी हम मोनेटाइज हो जाएं हम मशहूर हो जाएं। अब वो क्या करते हैं, आते हैं रजब की वीडियो बनाते हैं और रजब भाई को इससे फेम मिलता है, मतलब उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, लेकिन वो करते हैं मैं मानता हूँ कि जी वो करते होंगे नेकी की खातिर कि किसी का कुछ शो जो उसको शूट आउट कहते हैं वो दे देते हैं, उनको फायदा होता है कि भाई दोनों को फायदा हो जाएगा, रजब को भी फायदा होगा जो शूट आउट ले रहा है उसको भी फायदा होगा। खामखा आप खुद सोचो कि जो शूट आउट लेने आया हुआ है उसके भी कोई 100, 200 या 2,000 सब्सक्राइबर्स होंगे जो उनको देख रहे हैं, तो मजीद उसकी ऑडियंस चली जाती है रजब भट्ट के पास। बात करते हैं फिर अगेन डकी भाई की, डकी भाई जो है आपके सामने काफ़ी टाइम से वो मशहूर है क्योंकि हम जब पबजी न्यू आई थी हम तब उसको जानते थे, पबजी में उसे अक्सर जो है हम सुन भी लेते थे, तो कहने का मकसद यह है कि वो काफ़ी टाइम से उन्होंने एफर्ट की। ठीक है, अब आप खुद उनसे उनके पॉडकास्ट में सुन सकते हैं कि उन्होंने एक से दूसरे चैनल पर वो आए हैं, उनका एक चैनल पहले था फिर यूट्यूब पे वो दूसरे चैनल पे हैं, अब ये नहीं पता कि उनका चैनल भी यूके बेस्ड है या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो कि मैंने बातों बातों में जो ना फ्लो में एक चीज़ मुझसे रह गई वो ये थी कि जो यूके बेस्ड अकाउंट्स हैं वो पेमेंट मेथड उसका बता रहा हूँ। इफ अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ शायद आपको समझ आ सके, हम कमा रहे हैं क्लिक पर मिनट जो है सीपीएम ठीक है वो समथिंग इस तरह आ रहा है कि 0.05, आपने दोबारा नोट करना है 0.05, ये पाकिस्तानी रेट आपको बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे कर रहा है। जो यूके बेस्ड अकाउंट्स हैं मैंने लास्ट टाइम देखा था वो आपको पे कर रहा है डायरेक्टली 5। आपको बात समझ आ रही है, वो जो हमारे अंकल है ना कुकिंग वाले की, तो बात समझ में आ रही है, तो वो वाली बात है कि आपका अकाउंट पाकिस्तानी आपको अगेन बता रहा हूँ 0.05 पे कर रहा है, यूके जो है वो डायरेक्टली 5 पे कर रहा है। अब 5 रियाल है डॉलर है ये आपने खुद जाके गूगल से देख लेना है, तो ये भी बहुत बड़ा फर्क रखता है आपके कमाने में। तो YouTube के मेरे दोस्तों जो YouTube करना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है YouTube से, अगर आप किसी से कोलैबोरेशन करते हैं आप जाके पूछें, वो आपको बताएगा कि जी इस तरह की कंपनीज हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से YouTube शायद उनको कैच नहीं कर पा रहा, उनके पास कुछ रियल अकाउंट्स होंगे या जो भी होगा डिफरेंट पैसे ले रहे हैं वो। ठीक है, डिफरेंट पैसे से मुराद ये कि आपसे एक अमाउंट ले रहे हैं कि जी इतने हज़ार दे दो, 6,000 एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है मुझे नहीं पता, 6,000 ले रहे हैं आपको 2,000 सब्सक्राइबर दे देंगे या आपको 1,000 सब्सक्राइबर दे देंगे या 500 सब्सक्राइबर दे देंगे, प्लस आपको जो वॉच टाइम है जी वो इतना मिल जाएगा, आपको इतना मिल जाएगा, मतलब है कि आपका जो 4,000 घंटे का जो सीन है ना यूट्यूब की पॉलिसी में वो आपको क्लियर करा देंगे, मतलब आपसे पैसे लेके, और वो जेन्युइन होगा। अब ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी है जो कि ये काम कर रही है, हम तो लगे हैं कब से भाई देखते हैं, हमने तवक्कल अल्लाह किया हुआ है कि जब अल्लाह ने चाहा जब अल्लाह ने रिस्क देने लगा ना तो उसी टाइम लेंगे, क्या किसी कंपनी के पास जाना, और शायद चले भी जाएं तो पता नहीं। फिलहाल तो मेरे सामने यहाँ क्वेटा में तो फिलहाल कोई कंपनी का मुझे नहीं मालूम, और अगर मेरा कोई भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है या कोई बहन देख रही है, मतलब जो भी ऑडियंस अगर मेरी देख रही है और वो अगर मेरी वीडियो को समझी अगर वो एंड तक यहाँ तक आके पहुँची है, तो भाई अगर आपने पैसा कमाना है सीरियसली ठीक है मेहनत करें, दोस्तों के साथ मिलके आप अच्छा कंटेंट बनाएं, पार्टनरशिप करें, टिकटॉक भी लाइव आए, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अपना टिकटॉक लाइव भी है,
तो पहले किसी से कंफर्म बंदे के पास जाएं, उनको बताएं, उनको मेरी वीडियो दिखाएं, बोलो क्या ये बात सच है या नहीं। तो ये लाजमी एक चीज़ आपने देखनी है और अपने लिए रोज़गार का इजी सबब बनाना है। इजी यही मतलब होता है भाई, ये कोई काम नहीं है व्लॉगिंग, ठीक है ना। इसके लिए तो समझें कि टाइम ही टाइम है, बस ये होता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो, आपकी ऑडियंस आपसे प्यार करती हो, आपको समझती हो, तो ये ऑडियंस गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। आप रकी भाई से पूछ लें, और बल्कि उसे क्या जाके पूछेंगे, रकी भाई की आप ब्लॉगिंग देख लें या उनका कोई भी वीडियो उठा के देख लें जहाँ पर उन्होंने बताया उनको 7 साल लगे थे, 7 ईयर्स, ठीक है। 7 साल एक बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है, लेकिन जितना उन्होंने गेन किया है 7 साल के बाद, वो आपके सामने ही है कि जी ईटॉन 5 करोड़ की एम नहीं आई, तो ये टाइम लगता है। फिजर उमर से भी आप उसका पॉडकास्ट आप देख सकते हैं, उसका 4th नंबर है 3rd नंबर पाकिस्तान में, उनका नाम है यूट्यूबर में, उनका भी टाइम पीरियड देख लें। दूसरे भी यूट्यूबर थे, नादिर अली को, ओए होए नादिर अली का स्ट्रगल टाइम तो चेक करें भाई, जब यूट्यूब प्रॉक्सी पे चलता था तब भी वो यूट्यूब पे जो है काम करते थे, नादिर अली को हम सबसे जानते हैं, तो टाइम लगता है भाई, इसमें एफर्ट करनी है। और लास्ट में मैं अब यही कहूँगा, मेरा ब्लॉग अगर किसी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कोई बात मेरी गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में दुरुस्त कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो, मैं अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकूँ, और आवाम जो देख रही है चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 20 हैं, चाहे वो जितने भी हैं, उनके लिए एक अच्छा कंटेंट और क्लियर बात लेकर आऊँ। बाकी अगेन एंड अगेन मैं ये कहूँगा कि भाई इल्म में कमी हो सकती है, 110% मेरी बात ठीक नहीं होती, क्योंकि देखना कि एक वीडियो में रिकॉर्ड करना, फिर वो आगे जाके किसी बात पे एविडेंस में कि आ जाए कि भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 110% ठीक नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन आप किसी से जाके पूछें तो सही कि ऐसा हो भी रहा या नहीं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आपके प्यार आपके सपोर्ट का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियोस लाइक की और देखी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा, मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।